आज हमने दादी को बोल के अंश को पनिश करवाया ना, अभी देख नहीं मम्मी हम लोग को डांटेगी और पनिश भी करवाएगी। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सोने का टाइम हो गया है ना, चलिए। चलिए सोइए चल के। I'm sorry, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गई, मैं अभी ठीक से रख देती हूँ। आरती जी, आप कुछ कह रही थी। जी मैं कह रही थी कि मुझे पता है आपको हर एक चीज प्रेम एंड प्रॉपर चाहिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीजें अपनी जगह पर रहें। शुक्रिया। आती ले लो। खुश रहो। अंश के साथ जो कुछ भी किया वो उसके भविष्य को सोचकर किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर जिद्दी बिगड़ैल और अपराधी बने। बच्चों को लाड़ प्यार करना जरूरी होता है बहू, पर जरूरत पड़ने पर उनके साथ सख्ती करना भी जरूरी होता है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुमने अंश को अकेले पाला है। बहुत छोटी सी उम्र में बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया और इसलिए तुमने अपनी सारी ममता उस पर निछावर कर दी, इसलिए लाड़ प्यार में थोड़ा सा बिगड़ गया वो। खैर बहुत सारे काम पड़े हैं, तुम पहले काम निपटा लो। नई डिश बनाना सिखाए ना। अब वैसे आपकी मैडम तो काम करने के लिए चली गई हैं बाहर, तो हमारी इन देवरानी को भी तो पता चले कि आप कितने अच्छे शेफ हैं, तो दिखा दीजिए प्रतीक द शेफ का जलवा। बिल्कुल। अरे आप लोग ठीक तो हो ना? अंश तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? बस बेटा इसमें रोने की कोई बात नहीं है, मम आपके साथ है ना, मत घबराइए, कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने जानबूझकर नहीं किया दादी, और गलती से हो गया दादी, कल जैसे मुझे रूम में बंद मत करना, नहीं तो मुझे ऐसी चोट लग जाएगी।